आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। बिना यूपीएससी के एग्जाम पास किए मिल गई आईपीएस की वर्दी, 2 लाख रुपए का लगा चूना। आईएएस और आईपीएस बनने के लिए लोग जी तोड़ मेहनत करते हैं और अपने घर और गांव को छोड़कर शहरों में महंगी महंगी कोचिंग लेते हैं। यहाँ तक कि 1-2 अटेम्प्ट में फेल होने के बाद भी अपने सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करना नहीं छोड़ते। लेकिन एक 18 साल लड़के को बिना यूपीएससी की एग्जाम पास किए ही आईपीएस की वर्दी मिल गई और इसके लिए उसने 2 लाख रुपए की रिश्वत भी दी। दरअसल तस्वीर में दिखाई दे रहा मिथिलेश कुमार नामी लड़का बिहार राज्य जुमाई जिले का रहने वाला है, जिसे मनोज सिंह नामी व्यक्ति ने 2 लाख रुपए का चूना लगाया है। मिथिलेश ने 2 लाख रुपए देते ही उसे मनोज सिंह ने आईपीएस की वर्दी दे दी और वे अपनी वर्दी का रौब झाड़ रहा था, तभी पुलिस अधिकारी उसे पकड़ पुलिस थाने ले आए तो पता चला कि उसने अपने मामा के पास से 2 लाख रुपए लाकर मनोज को दिए और मनोज ने उसे पिस्टल टोपी और आईपीएस की वर्दी दे चला गया और कहा कि तुम अपनी ड्यूटी करना शुरू कर दो, मैंने सारे कागजात सरकार को दे दिए हैं। पुलिस इस पूरे मामले की अगली जांच में जुटी है। फिलहाल सोशल मीडिया पर इस लड़के की तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं। कमिंग सर, आइए 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 आइए, आपका स्वागत है सिकंदरा थाना में, आइए। एकदम घूम रहा था तो लोग खबर किया तो पकड़ के इसको लाया गया है कि नाम बता रहा है कोई मनोज सिंह, इसको ये काम किया है, एकदम आईपीएस का है, पूरे पूरे एकदम टोपियों पर आईपीएस है। हाँ वही जी, टोपियों पर आईपीएस है, बैच पर भी, कंधा पर भी आईपीएस है। हाँ नकली इसको बना दिया, ओरिजिनल बन के घूम रहा है। तुम कालो इतनी में तो गया है कहाँ करते हो बाबू? मिथिलेश कुमार। मिथिलेश कुमार, पिता का नाम? गोवर्धन। घर कहाँ है? गोवर्धन। कौन सा थाना है? हलसी। हलसी, कहाँ ये वर्दी कहाँ तुमको मिली? खैरा में। खैरा में मिली, क्या मामला, कौन दिया? मनोज सिंह नाम। क्या बोला? कि 2 लाख रुपए दो, हम तुमको ये नौकरी दिलवा देंगे। अच्छा अच्छा, तो 2 लाख रुपया तुम दे दिया? हाँ दे दिया। कब? एक महीना हो गया, 4 तारीख को। एक महीना पहले? हाँ एक महीना पहले 4 तारीख को। ठीक है, तो ये वर्दी आज तुमको कहाँ दिया? एक खैरा में दिया था। कब? आज सुबह 4 बजे। कहाँ पे? घर पे? नहीं, खैरा चौक है, वहाँ सरकारी हॉस्पिटल, वहीं पर हम दे दिया।